हमेशा से एक मौकफ रहा है कि बहुत सारा माशी दबाव पाकिस्तान पे सिर्फ इसलिए होता है कि पाकिस्तान के एटमी असासे कंप्रोमाइज हो जाएं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर हुकूमत कर्ज ना ले, आईएमएफ के पास ना जाए, तो मौजूदा सिनेरियो के अंदर हुकूमत के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। सऊदी अरब ने बड़ी मुश्किल शराइत के ऊपर आपको कर्ज दिया है, बाकी दोस्त ममालिक भी कोई सबज झंडी दिखाने पर तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त हालत ये हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान एक रुपया भी कर्जे के तौर पर स्टेट बैंक से नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने आईएमएफ ने कह दिया, ताला लगा दिया किस्म का, कि पहले वो पैसे पूरे करो साल के जो आपने लोगों की किस्त अदा करनी है। नंबर एक ये कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अब ये जो ऐप बैन हुआ, ये जितनी चीजें S-400 आ गया, अब राफेल आ गया, उसमें मिसाइल लग गए, चाइना का सबसे पावरफुल वेपन ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ना J-17 है, ना J-21 है वो। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया इस समय बहुत डरा हुआ है, उसे लग रहा है कि पूरी दुनिया मिलके पाकिस्तान के खिलाफ एक चक्रव्यूह रच रही है और उनका एक ही मकसद है पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को हड़पना। और इसी चीज़ का गम पाकिस्तानी मीडिया को सताया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि IMF की साजिश है, हमें कर्ज दे देके एंड में ही हमारे न्यूक्लियर हथियार लेना चाहते हैं। और पाकिस्तान को ये सच्चाई भी पता है कि पाकिस्तान की इकनॉमी डूब चुकी है, तो IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है, इसके बिना हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। और साथ ही साथ सुमित सर ने ये बताया किस तरीके से भारत के पास इतना हथियार है, चाइना की हिम्मत नहीं है कुछ भी कर सके भारत का। भारत की बात तो छोड़ो, अब तो वो ताइवान की तरफ भी देखने से डर रहा है, क्योंकि भारत उन सबको हथियार सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना की मोनोपोली पूरे रीजन में खत्म होती चली जा रही है। यही चाइना को चिढ़ है भारत के साथ। आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। हमेशा से एक मौकफ रहा है कि बहुत सारा माशी दबाव पाकिस्तान पे सिर्फ इसलिए होता है कि पाकिस्तान के एटमी असासे कंप्रोमाइज हो जाएं। अब वजीर खजाना का भी एक ऐसा बयान आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे IMF की तरफ से इस मरतबा दबाव जो है वो जरूरत से ज्यादा है, जिसकी वजह ये लगता है कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं, आलमी मामलात हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान को कोई सहूलत देने की एक कोशिश नहीं की जा रही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, शौकत तरीन साहब ने एतराफ़ किया है कि जी अमरीका के साथ ताल्लुकात में खराबी और खित्ते के दीगर मामलात वो वजह बन रहे हैं IMF के बेताशा दबाव की, क्या देखते हैं आप इस हवाले से? देखिए, IMF जो है उसके मेजोरिटी शेयर्स जो हैं वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के पास हैं, तो और वो उनके मफादात की हमेशा से जो है वो तहफ़ करता रहा है। इस वक्त अमेरिका की जो हिकमत अमली न्यू ग्रेट गेम के तहत है, उसमें फौरी तौर पर वो ये चाहते हैं कि खित्ता गैर मुस्तकम रहे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी गैर मुस्तकम रहे, पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर रहे, पाकिस्तान में जो है वो हकूमत और कौम के दरमियान एतमाद का बोझ है। तो ये तो अमेरिका की हिकमत अमली का हिस्सा है, जो है तरजीहात बदलती रहती हैं, तरीक़ाकार बदलता रहता है, लेकिन मकासद कभी तब्दील नहीं होते। तो अभी भी इस वक्त चूँकि अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है, तो जिस दिन था उसी दिन मैंने कहा था कि ये अमेरिका की शिकस्त नहीं है, ये हिकमत अमली है। और अब वो उनका मकसद यही होगा कि खुदा न खास्ता कुछ दहशतगर्दी की वारदातें भी यहाँ कराई जाएँ और हमारे कुछ ममालिक से ताल्लुकात भी ख़राब रहें, अफगानिस्तान गैर मुस्तकम रहे और वहाँ से उसके असरात पाकिस्तान पर आएँ। तो ये चीज़ें तकाजा करती हैं, यानी एतराफ़ करना या इदराक करना काफ़ी नहीं है, इसके साथ ही ये जिम्मेदारी हमारी बन जाती है हुकूमत की, कौम की भी, रियासती इदारों की भी, कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाया जाए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर हुकूमत कर्ज ना ले, IMF के पास ना जाए, तो मौजूदा सिनेरियो के अंदर हुकूमत के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। सऊदी अरब ने बड़ी मुश्किल शराइत के ऊपर आपको कर्ज दिया है, बाकी दोस्त ममालिक भी कोई सबज झंडी दिखाने पर तैयार नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत IMF के पास ना जाए तो कैसे मुल्क चलाए? नहीं देखिए ना, इस वक्त मैंने तो नहीं कहा कि अब IMF के पास ना जाए, ये तो आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे। इमरान खान साहब के पास ऑप्शन था कि वो पहले ना जाते, मईशत में इस्लाहात लाते, लेकिन इस वक्त आप IMF की शराइत जो है वो मान सकते हैं, लेकिन आप पहले अगर अपनी वसाइल बढ़ा लेते तो IMF आपको कह ही नहीं सकता कि ज़िमनी बजट लाएं। कि पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ द डिसीजन एंड अ मेजर डिसीजन, और मेजर डिसीजन ये है कि आपने किस तरफ जाना है। अगर आप तो अमेरिका के साथ रहते हैं और आप अमेरिका के साथ वर्थ निगोशिएट करते हैं, जैसे टर्की ने किया, जैसे मिस्र ने किया, फिर तो आपके रहने का फायदा है, क्योंकि इस वक्त हालत ये हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान एक रुपया भी कर्जे के तौर पे स्टेट बैंक से नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने IMF ने कह दिया, ताला लगा दिया किस्म का, कि पहले वो पैसे पूरे करो साल के
जो आपने लोगों की किस्त अदा करनी है। फिर इसमें खतरा है कि अमेरिका जब चाहेगा आपको फिर शिकंजा खींच देगा। कि तीन वजूहात से हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते, खा कुछ हो जाए। नंबर एक ये कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इतना फैला हुआ है और इतना जो है जिसे कहते हैं उसका अंदाजा नहीं हो पाता कि अगर हम पाकिस्तान से निकल गए तो पाकिस्तान उस न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ कुछ भी कर सकता है। मतलब पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर सकता है, किसी को बेच सकता है, आ सकता है, ला सकता है, हमारी विजिलेंस खत्म हो जाएगी। चाइना का सबसे पावरफुल वेपन, सबसे पावरफुल वेपन ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ना J-17 है, ना J-21 है, वो है परसेप्शन। अब देखिए शुरू से ये चाइना का जो एक परसेप्शन की लड़ाई है ये वो खेलता आ रहा है। पहले हमें ये बताया गया था भाई चाइना के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, किसी की औकात नहीं है, PLA इतनी बड़ी है, इतने हथियार है, इतने वो है, अरे आप कहाँ खड़े हो जाओगे। इवन यहाँ हमारे कुछ अपोजिशन के लीडर है फखर भाई, जिन्होंने बोला आप कहाँ से खड़े हो जाओगे चाइना के सामने, मतलब गवर्नमेंट को एडवाइस किया नहीं 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 आप हटिए। और कांग्रेस जो थी पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर AK एंथनी साहब ने तो पार्लियामेंट में कहा, भाई साहब पार्लियामेंट में कह रहा बिल्डिंग नो रोड्स इन LAC इज द ओनली डिफेंस अगेंस्ट चाइना, हम सड़क ही नहीं बनाएंगे तो चीनी कहां से आएंगे, ये उनका मानसिकता थी। आज पेगोंग सो तक रोड बन गई है, कुछ दिन पहले फोटोज आई थी। अब ये जो ऐप बैन हुआ, ये जितनी चीजें हुई, S-400 आ गया, अब राफेल आ गया, उसमें मिसाइल लग गए, MQ-31 सुखोई में ब्रह्मोस लग गया, ब्रह्मोस के लेटेस्ट वर्जन ट्राई हुए, करीब करीब मैंने 18 से 20 नए मिसाइल हमने टेस्ट किए पिछले 1.5 साल में, राइट। ये सब चीजें डिप्लॉय हो रही है। अब जो ये चाइना है ये बौखलाया हुआ, बरगलाया हुआ है। अब आप देखो जापान भी उन्हें कहता भैया जो तुम्हारे बस का करो, आज वियतनाम कहता, फिलीपींस कहता हमें ब्रह्मोस दो आप लेने को तैयार है, चाइना कहता मैं तुम्हें देख लूंगा, कहता देखते रहना। आज ये जो चाइना के खिलाफ दुनिया खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई जब हम पहले खड़े हुए और हमने दुनिया को दिखाया हाँ ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। गलवान में वो आए थे, उन्हें उनकी उनको उनकी हमाकत का सजा मिल गई, उनको पता लग गया। आज तक जी जिनपिंग ये नहीं बता रहा कि कितने लोग मरे। चाइनीज जनरल जो USA में रहते फखर भाई, वो कह रहे 135 लोग मरे। अब बाद में पहले कह रहे थे कोई नहीं मरा, फिर कहते 4 मरे, फिर कहते 12 मरे, फिर कहते 2 अफसर भी मरे। आज तक भी 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कि चाइनीज मरे कितने, कोई तो मरा होगा भैया, जो तुम पीले डब्बे ले जाके दे रहे थे। और सबसे दर्दनाक बात क्या, जो तुम्हारा सिपाही मरा उसको तुम फ्यूनरल भी नहीं देते। बिल्कुल, अगर डिक्लेयर तो करो कि हमारे लिए मरा भाई लड़ता हो, फ्यूनरल भी नहीं देते। हमारे जो 20 भाई मरे उनकी फोटो, उनको आदर सम्मान, परमवीर चक्र, महावीर चक्र जो भी बनता था, परमवीर तो नहीं, महावीर चक्र वगैरह सब मिला, पूरे देश ने उनका नाम देखा, सब उनको एक सोल्जर्स फ्यूनरल और सोल्जर्स डेथ मिली। वहां वालों को तो कुछ पता ही नहीं कौन थे, जैसे वो पत्थर से पैदा हुए थे, जैसे वो इंसान का बच्चा ही ना हो। अब ये सब सारी चीजें होती है, अब ये थोड़ा बौखलाए हुए, पागल हुए पड़े, क्या करें। S-400 के आने के बाद गेम बदल गया। S-400 के आने के बाद अब एरियल रूट से आना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। इन्होंने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी, हमने बढ़ा दी। ये 5 एयरक्राफ्ट कैरियर वो एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाते हैं, 6 लगा देते हैं। अभी कुछ आया था कि वो और कुछ डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे, तो इमीडिएटली इंडिया ने भी, जबकि भी वहां बहुत ठंड है, मतलब -30-40 डिग्री का टेम्परेचर है, इंडिया ने फिर डिप्लॉयमेंट इतनी बढ़ा दी। अब जो ताइवान की हकीकत ये है, अगर वो एम्फीबियस अटैक करते हैं, कभी इस पर अलग पूरा वीडियो भी कर सकते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एम्फीबियस अटैक करेंगे वो संभव है नहीं, इम्पॉसिबल है। US की फ्लीट वहां सी से जा नहीं सकते, एयर आपके पास ऑप्शन है नहीं, एडवांस ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम और उनके पास काफी फाइटर एयरक्राफ्ट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है 70% पॉपुलेशन जो ताइवान में वो हन चाइनीज हैं, उनके रिश्तेदार हैं वहां पे, तो आप जाके अपने ही लोगों को मारोगे। और सबसे बड़ी बात, चाइना में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है फखर भाई, लोगों को लगता है ये वो, सबसे बड़ा इन्वेस्टर ताइवान है।